बहुत सारे हमारे टेलीविजन शोज़ के टेस्ट होते हैं, फिल्म्स के टेस्ट होते हैं, तो मैंने आज तक कभी किसी भी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल शो का टेस्ट नहीं दिया। मुझे लगता था कौन इतनी मेहनत करेगा यार, कॉस्ट्यूम पहनो और ये करो और वेग्स लगाओ, यू नो हाउ द कॉस्ट्यूम ड्रामाज आर इधर हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल। तो आई डोंट नो, रिसेंटली आई वाज इन उदयपुर, तो किसी प्रोडक्शन हाउस ने फ़ोन किया एंड दे सेड दे आर मेकिंग अ न्यू शो, द शो इज़ कॉल्ड काली। काली मतलब पार्वती जी का रूप और उनके ऑपोजिट ऑफ कोर्स शिव जी एंड ऑल। तो आई सेड चल स्क्रिप्ट तो भेज दे एटलीस्ट। तो मैंने पढ़ा तो मैं आई वॉज शॉक्ड एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि उस स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था इट रिलेट्स सो मच टू लाइफ बिकॉज आई टॉक अबाउट लाइफ ऑल द टाइम। द स्क्रिप्ट वॉज अबाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सो द कॉन्वर्सेशन वॉज बिटवीन शिव जी एंड पार्वती जी एंड आई टेल यू वॉट एग्जैक्टली द कॉन्वर्स, वो चार लाइनें मैं जरूर बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या कहा जिसने मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करना ही है। आई मीन आई विल एटलीस्ट गिव दिस वन ट्राई कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं पता वो शास्त्रों में इतनी बड़ी बातें लिखी हैं जब हम आज इस बारे में बातें करते हैं। तो वो था कि शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि अक्षर अ, अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है, अ से आरंभ है तो अ से अंत भी है, अ से आशा है तो अ से अमृत्व भी है, और एक शब्द होता है अबला, अबला में से अगर इस अक्षर अ को निकाल दो तो बल का दूसरा स्वरूप उत्पन्न होता है। ही सेज कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं हमारे भीतर छिपे होते हैं, हर प्रश्न के लिए या हर समस्या के लिए किसी और का मुख ताकना उस समस्या का समाधान नहीं है, और हर समस्या का समाधान मेरा तीसरा नेत्र भी नहीं है, किंतु वो दृष्टि है जो स्वयं हमारे भीतर छिपी होती है। शिव जी कह रहे थे उसमें लिखा था कि अगर मैं शिव हूं तो तुम शिवांगी भी हो, अगर मैं काल हूं तो तुम काली भी हो, अपने अंदर छिपे स्वरूप को पहचान कि सती हो तुम, सत्य का ताप है तुम में, और काली भी हो क्योंकि पूरे काल को लाने का प्रताप है तुम में। आई स्वेयर टू गॉड जब मैंने वो टेस्ट दिया, ऑलमोस्ट वो टेस्ट 2 घंटे तक चला, और 2 घंटे के लिए हम एक रूम में थे, 3 लोग थे, कैमरामैन था, मैं था, और मुझे नहीं पता वो 2 घंटे कब चले गए। यूजुअली क्या होता है, हमें एहसास हो जाता है, हम भी क्या करते हैं फटफट करके निकल जाते हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जब सब चीज़ें रुक जाती हैं, सब चीज़ें थम जाती हैं, आप कहीं और ही किसी और ही जोन में चले जाते हो, वो आपको कुछ और सिखा के चला जाता है। और उससे मुझे क्या सीखने को मिला, मैं ये बताता हूँ। जब टेस्ट मैंने ख़त्म किया तो आई फेल्ट वेरी एग्जॉस्टेड कि यार इमोशनली आपको थोड़ा सा लगा कि नहीं यार एग्जॉस्शन हो रही है, तो आई स्विम, मैं बिल्डिंग में गया, सो आई कॉल्ड माई ट्रेनर और हम लोग स्विमिंग कर रहे थे। तो यूजली क्या होता है ना, वैन यू स्विम तो अंडर वाटर ब्रीथ प्रैक्टिस वगैरह होती है बिकॉज यू वॉन्ट टू बी ट्रेंड स्विमर। तो हम लोग स्विम करते हैं तो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 23 सेकेंड इसके आसपास ही, उसके बाद फिर ऊपर आना पड़ता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक आफ्टर द टेस्ट, और एक तो मुझे एग्जॉशन हो रही थी, मैंने कहा वाटर थेरेपी इज द बेस्ट, पानी में कूद जाओ आराम से थोड़ी देर शांति मिलेगी, यू नो आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली। उस दिन आई लास्टेड फॉर 62 सेकेंड्स इनसाइड वाटर, 63rd सेकेंड आई केम आउट एंड इट वॉज समथिंग एल्स, आई मीन इट वॉज अनदर लेवल। सो इफ दैट शो इज ऑफर्ड टू मी आई विल ओनली डू दैट शो, experience which I've never experienced. I mean, एक सेकेंड में, अच्छा 22 का 23 का 25 होता तो समझ में आता, I mean, there's a huge difference. So I think कुछ तो है जो आपके अंदर है। मेरा हमेशा से मानना ये जो दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, ये आपको रोकता है बहुत जगह से। Body knows a lot. Body has a lot of power. Potential है बहुत ज़्यादा, लेकिन unfortunately हमें पता नहीं, क्योंकि ये दिमाग इतना overthinking में आज के डेट में घुस जाता है। मेरी तो कुंडली में लिखा है, राहु बैठा है, वो कहते हैं कहना, वो सोचता ही रहता। तो मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद इसको सोचना बंद किया कि नहीं यार देखेंगे होगा, देख लेंगे, लेट्स ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। सो आई मीन दीज आर अमेजिंग डिस्कवरीज ऑफ लाइफ, ऐसे ही आपको अपने बारे में समझ में आती है, एक एक छोटा छोटा इंसिडेंट। और मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, ये अचानक से हो जाता है, क्योंकि वो शब्द भी मुझे लग रहा था, वो शब्द भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे कि यू नॉट रियलाइजिंग दैट यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू ओनली, I don't need to teach you anything and you can't keep coming to me again and again.
कि सर तीसरा नेत्र खोल दो, आई कांट, आई मीन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ योर ओन एज वेल. सब चीजें हमारे अंदर हैं, छिपी हुई हैं, डीपर पोटेंशियल खोजना जरूरी है. दैट्स द ओनली थिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयर एंड ग्रो सेशन एक्सर्प्ट. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव एंड गेट नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू वीडियोज़.